जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर दशकों से डिस्कस किया जा रहा है। हम आसपास के अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी आपको दिखती है? हाँ, डेफिनेटली दिखती है, लेकिन क्या एग्जैक्टली इक्वालिटी है? अगर देखा जाए हमारे कॉलेजेस में और अपने स्कूल्स में और हमारे जॉब कल्चर में, क्या आपको हर तरफ इक्वल जेंडर के वर्किंग पीपल या स्टडिंग पीपल दिखाई देंगे? क्या आपको इक्वल मैन और इक्वल वुमेन दिखाई देंगे? नहीं। जेंडर इक्वालिटी बोलने में बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड लगता है, बट इट्स नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट द जेंडर इक्वालिटी। अगर हम अपने एंशियंट टाइम्स देखें तो हमारी सारी होली बुक्स और पुराने उसमें जेंडर्स को बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट किया हुआ है। आई नो इन हिंदी माइथोलॉजी वुमेन जेंडर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है, बट इक्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्पेक्ट, इक्वालिटी इज अबाउट लिविंग टुगेदर, लिविंग साइड बाई साइड। तो पुराने टाइम्स में वुमेंस की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती थी। एक हम टर्म यूज़ करते थे स्टेम, मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट्स के ऐसे जॉनर होते थे जहाँ पे वुमेंस की क्वांटिटी काफ़ी कम रहती थी, आपको वुमेंस आर्ट्स म्यूज़िक और कल्चरल टाइप के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा विजिबल होती थी। आज के टाइम में ज़रूर ग्रोथ हो चुका है और वुमेंस ने जहाँ जहाँ पे अपने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ पे उन्होंने सक्सेस हासिल किया है, मीन्स दे आर हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल। बट वर्ल्ड वाइड वुमेंस की इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना नॉट एन ईजी टास्क। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने 2030 के सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में एक जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इसी प्रोसेस के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2015 के दिसंबर में अनाउंसमेंट किया कि 11th ऑफ फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेंस इन साइंस के तौर पर मनाया जाएगा। इस डे का मेन पर्पज़ होगा कि वुमेंस और गर्ल्स इनको इक्वली रेस किया जाए, इनको मेंस के साथ खड़ा किया जाए। जो इन्वायरमेंट आज मेंस के लिए पूरा भरा हुआ है, सिमिलर इन्वायरमेंट वुमेंस के लिए इक्वली होना चाहिए कि वो खुल के आराम से काम कर सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो 2016 से हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस की ग्रोथ के लिए, वुमेंस के आगे बढ़ने के लिए और वुमेंस का साइंस में पार्टिसिपेशन के लिए। बिकॉज साइंस एक ऐसा टॉपिक है, स्पेशली मैं साइंस नहीं कहूँगा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर वुमेंस आती है तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी। और अगर हम लास्ट के काफ़ी इयर्स के एकेडमिक रिजल्ट्स देखें तो उसमें वुमेंस ने हमेशा अपना परचम लहराया है। और आई सपोर्ट वुमेन और हम जैसे हर कोई चाहता है कि वुमेंस को इक्वली खड़े होने का मौका दिया जाए। ज़रूर आज के टाइम में वुमेंस बहुत से जगह पे आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बट अभी भी बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे एरियाज है। अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ हुआ, साउथ एशियन कंट्रीज़ हुआ, अरेबियन कंट्रीज़ हुआ, वहाँ पे वुमेंस को अभी भी दबा के रखा जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबली एक मोटिव है कि वुमेंस बराबरी से आगे बढ़े और किसी भी कंट्री में उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्पेशली फॉर द स्टडीज़, क्योंकि स्टडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेंस का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बिकॉज देयर हैविंग गुड लर्निंग कैपेबिलिटी। तो इसी तरीके से वुमेंस को आप हमेशा सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए और आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कीजिए। साथ ही साथ फोकट का ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए।